Hey guys, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from PINKVILLA. Hi guys, you're watching us on Love Talkies and ये वही पुराने किसे पिटे शोएब नहीं थोड़े से नए तड़के के साथ ये है मेरे हस्बैंड. हाँ तो ये भी कोई नए नहीं है, ये वही फटी हुई आवाज के साथ, मर्दों वाली हंसी के साथ ये वही बैठी है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये मिसेज इब्राहिम है. यार मिसेज इब्राहिम होगी अब तो, मर्दों वाली हंसी मत बोलो मतलब. ओके तो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ मस्ती मजाक अच्छे से करने आए हैं. सो शैल वी बिगिन प्लीज. मैं उठाऊंगी चिट. ओके पहले मैं जवाब दूंगी. ठीक है उसके बाद तुम्हें देना है. ठीक है What is the one thing they've completely changed about themselves since we've been together? Okay, let me think. What is the one thing that I have changed? इतना टाइम नहीं जल्दी बोल. एक मिनट यार, मतलब अच्छा जवाब है, सोचना पड़ता है. आई थिंक मैं आई हैव चेंज्ड फॉर द बेटर. मैं बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करने लगी हूँ. जब मैं शोएब से नहीं मिली थी तो मैं बहुत ऐसे ऐसे थी. मुझसे मिलने से पहले बहुत ज्यादा लड़ाकू थी तो नहीं, अभी थोड़ी शांत हो गई थी। है अभी शांत हो गई है, अभी लड़ती नहीं है. वरना पहले तो सिर्फ इसके ना यहाँ पे गुस्सा रहा करता था ना, कुछ भी हो जाए तो ये वो. अच्छा, मतलब अभी नहीं रहता. अभी हाँ अभी सही, ये चेंज हुआ है. चलो ठीक है, इसमें ही तारीफ सुन ली. अब तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हें भी ये जवाब देना है. अच्छा मुझे भी जवाब देना. व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव चेंज्ड अबाउट योरसेल्फ सिंस द टाइम यू मेट मी. सिंगल से स्टेटस मैरिड हो गया, चेंज क्या चाहिए इंसान को. हाँ तो ठीक है ना. मतलब ये इस गम में डूबे जा रहे हैं, वहां हल्दी के वक्त वो इनको कंगना बंध रहा है और ये मेरे कान में बोल रहे हैं हो गया मैं, अब मेरा स्टेटस बदलना पड़ेगा मुझे, मैं मैरिड हो गया. एंड आई एम लाइक तुम ये बंधवा रहे हो, मुझे हल्दी लग रही है, तुम्हें हल्दी लग रही है और तुम्हें ये याद आ रहा है कि स्टेटस बदलना पड़ेगा. एनीवेज नेक्स्ट. अभी मुझे उठाना था. क्यों, क्या फर्क पड़ता है, लेडीज फर्स्ट, आई एम योर वाइफ नाउ, इट्स ओके. व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक. इसका जवाब पहले मैं देता हूँ. मेरे लिए वन द मोस्ट रोमांटिक. नहीं नहीं मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी. जिस दिन मैं निकाह के अगले दिन जो हम मेरा जो नानी का घर था वहाँ पे जो मैं ससुराल प्रॉपर एंटर हुई, मेरी मुंह दिखाई होने वाली थी, वहाँ जो इन जनाब ने फूलों की बारिश करवाई है, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट रोमांटिक. थैंक यू. और ऐसा कोई खास दिन नहीं है, ये हमेशा मुझे बहुत स्पेशल फील करवाती है. बहुत ज़्यादा, बहुत हर चीज़ में, चाहे वो. अच्छा ठीक है नहीं सुनना छोड़ो. When did you realize that you are in love with each other? Who confessed and how? हम लोग जब शो में साथ नहीं रहे, जब ये निकल चुके थे शो से एंड आई वॉज स्टिल इन एस एस के एंड आई थिंक ये भोपाल गए हुए थे एक महीने के लिए, दैट्स वेन वी रियलाइज कि इट इज़ नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, कुछ थोड़ा ज़्यादा है. बिकॉज वो दोनों जो एक दूसरे को मिस कर रहे थे और जो साथ रह नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, उससे समझ में आता है कि इट्स नॉट जस्ट लव. एंड कन्फेस तो हम में से किसी ने नहीं किया था. मैंने किया था ना नचबली में सबसे पहले. मैं बोलने वाली बाय द वे. द फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड अबाउट ईच अदर. इसमें ना प्लीज बड़ा दांत, बड़ा दांत. अभी तुम बताओ. तुम्हारे घुंघराले नूडल्स वाले बाल जो पहले थे अभी ठीक हो गए हैं. पर तुम्हारा दांत आज भी है. दिखाओ. मैं बात नहीं कर रही तुमसे, जाओ. रिक्रिएट योर प्रपोजल. चलो बेटा. आई लव यू. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. खड़े हो जाओ. देखो यहाँ पे जगह नहीं है. है बहुत है, यहाँ खड़े हो जाओ. अच्छा बैठे बैठे कर दो. अच्छा, एक काम करते हैं. बैठे बैठे कर दो. तुमने कुछ बोला था नचमनी के स्टेज पे, तुमने कुछ बहुत ऐसे ईमानदारी ऐसे छोटा बच्चा बन के कुछ तो बोला था, वो बोलो फिर से. लो चलो ये लो. कहाँ, हाँ पहले बोलो. पहले था कि हाँ था, नहीं बोलो था कि स्क्रिप्टेड था क्या. नहीं नहीं सुनो, तुम मैंने क्या बोला था पहले वो सुनो. मुझसे शादी करोगी, कभी परेशान नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा और जो बोलोगी वो करूंगा. और एक था. और हमेशा ऐसे प्यार करता रहूंगा. और एक था.
तुम याद दिलाओ तो तुम्हें याद नहीं याद है? मुझे याद है। बताओ। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा, और जो बोलोगी वो करूंगा। चलो ठीक है, ये चीजें बोल दी। बनाओ। वेरी गुड, ये सेगमेंट खत्म हो गया है। कुछ नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, सो वो करते। सो फ्रेश सेट ऑफ चिट्स आ गई हैं शोएब। हमें पता नहीं है कि ये क्या है, बट आई थिंक इतना बताया गया है कि हाउ वी आर एज अ कपल, उस लाइंस पे कुछ है। चलो तुम स्टार्ट करो। नहीं, लेडीज फर्स्ट। नहीं, तुम स्टार्ट। तुम ही बोल रही थी लेडीज। कोई बात नहीं ना, अभी तुम स्टार्ट करो। आई डोंट नो व्हाट इट इज। सो पहला, सी यू आर मैरिड टू मी नाउ, सी यू शुड प्रोटेक्ट मी। व्हाट्स द लास्ट थिंग यू आर्ग्यूड अबाउट? एनिमेटेड वर्जन में ये बताएंगे वो किस्सा है सलवार का। और ये बताएंगे। चलो भाई बताओ। जनाब की कॉस्ट्यूम्स का थोड़ा सा पंगा हो गया था, तो इन्होंने मुझे कुछ दो फोटोज निकाल के दिए कि दीप्ति ऐसा कुछ पहनना है। तो मैंने ओवरनाइट कपड़ा खरीद के अपने टेलर के पास दे करके जैसा इन्हें चाहिए था वैसा मैंने बनवाया। दो जोड़ी, एक मेहंदी पे पहनेंगे और एक संगीत पे पहनेंगे। इतने प्रेशर में मैंने बनवाया। सुबह मेहंदी, वो काली सलवार के साथ इन्होंने अपना ऑरेंज कुर्ता पहन लिया, हमने नाच गाना कर लिया, ठीक है। उसके बाद शाम को रेडी होके मैं बैठी हूँ ऐसे, मैं अपनी खाट पे ऐसे बैठी हूँ संगीत पे। अब शोएब मुझे सामने से चलते हुए ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे एकदम हैसल। अच्छा, उसको वहाँ बिठा रहे हैं, उसको वहाँ, अरे बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि बहुत सारे गेट क्रैशर्स आ गए थे, तो सबको हटाओ, ये मामू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी नज़र नीचे है और ये मेरे सामने आके खड़े हुए हैं। और ये मुझे बोल रहे हैं, दीपी शुरू करें। और मैं इनको बोल रही हूँ, तुम्हारी गोल्डन सलवार कहाँ है? क्योंकि ये गलती से गोल्ड सलवार चेंज करना भूल गए थे, उसी ब्लैक सलवार के ऊपर ये अपना संगीत वाला कुर्ता डाल के आ गए। एंड मैं सीरियस गुस्सा हो गई, मतलब मैं, तुमने सलवार नहीं चेंज की। मेरा पॉइंट ये था कि ठीक है तुम काम संभाल रहे हो, पर तुम दूल्हे हो, तुम अपना लुक कैसे नहीं बदल सकते? और ये मुझे कह रहे हैं, दीप्ति वहाँ इतना पागलपन था, मुझे नहीं मिली तो इसके ऊपर भी तो अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, जो करना करो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अब वहाँ पे सब लोग हैं जो पीछे खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं। और मैं उसे बोलूँगा कि दीप्ति, दीप्ति तुम्हें सलवार की पड़ी है, दूल्हा तुम्हारे सामने, तुम एक सलवार को लेके तुम लड़ रही हो। नहीं, लेकिन काम में इतने भी क्या बिजी हो कि तुम एक सलवार नहीं बदल सकते? पता है कितनी मुश्किल से मैंने बनाया तुम्हारे लिए। सो दैट वाज आवर लास्ट पब्लिक आर्गुमेंट। नेक्स्ट, माय टर्न। व्हाट एडजेक्टिव योर स्पाउस यूज्ड टू डिस्क्राइब यू ऑन योर वेडिंग डे? अच्छा, ये ऐसे थोड़ा सा शाय है, सामने से बोलता नहीं है, बट वेडिंग के दिन पे बोला था, जिस दिन ये मुझे स्टेज पे उठा रहा था ना, तो उस दिन एक्चुअली कुछ ज़्यादा बोला नहीं इसने, बट उसके फेस पे वो सैटिस्फैक्शन वाला लुक था कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, तो बस बहुत प्यारी लग रही हो, बस दैट्स इट, प्यारी आई थिंक। हु स्पेंड्स मोर टाइम टेंडिंग टू थिंग अराउंड द हाउस? इनके जूते, इनका हेयर स्प्रे, हेयर ड्रायर, इनका सब कुछ कहाँ कैसे क्या रखा है, वो सिर्फ जब ये रेडी हो रहे होते हैं, दीप्ति ये, दीप्ति वो, बस ठीक। अब सब कुछ इंटरकनेक्टेड इससे है, तो इसलिए मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तो है ना, तो सबसे ज्यादा मैं ही घर का ख्याल रखता हूँ ना। क्योंकि अगर तुम्हारा ख्याल नहीं होगा तुम घर का ख्याल नहीं रख पाओगे, घर का ख्याल नहीं होगा तो फिर मैं भी मतलब परेशान। लेकिन ये बात तो मैं मानूंगी कि जब से निकाह हुआ है ना, उसके बाद से इनका, उससे पहले, उसके पहले था, छह साल से तुम्हें जानता हूँ, चार साल हमारे रिलेशन का हो गया। शोएब मैं इतनी तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, मुझे कंप्लीट तो करने दो। हाँ, तो उसके बाद से इनका जो केयर है ना, वो थोड़ा और ज्यादा ऐसे अच्छा वाला हो गया है। सो आई कैन गिव हिम दैट, इट्स ओके, गुड बॉय। व्हाट वाज फेवरेट पार्ट ऑफ द वेडिंग? मदहा, आई थिंक द मोमेंट व्हेन आई सेड कबूल है। आई विल नेवर फॉरगेट दैट, आई विल नेवर ever forget that moment, which you are not supposed to forget actually, but वो बहुत special था। जैसे ही उन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि पूरा उन्होंने narrate किया, and the moment he said कबूल है, तो I choked, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो suddenly the entire journey with Shoaib till that moment that I was sitting there, वो सब आँखों के सामने आ गया, and the minute I choked, though I was wearing a sehra, सबा वो स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अम्मी इधर बैठी हुई थी, पहले फलक बैठी थी फिर अम्मी बैठी हुई थी, तो आई कुड हियर सबा अंडरस्टैंड दैट आई हैव चोक्ड एंड शी लाफ्ड।
ऐसे हल्का सा उसका गिगल आया तो मुझे समझ में आया कि शी इज अंडरस्टूड दैट आई हैव चोक्ड. सो दैट वाज फॉर मी द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट एंड द बेस्ट डिसीजन वाज डेफिनेटली गेटिंग मैरिड इन मोदा. हु इज रियली मोर रोमांटिक इन द रिलेशनशिप? नाउ आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम. हु वेयर्स द पैंट्स इन द रिलेशनशिप? ऐसा नहीं है हम दोनों में. हम दोनों के रिलेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि हम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, उसमें ढल जाते हैं. तो वो हमारा बेस्ट पार्ट है आई थिंक. कभी इनको कोई चीज़ समझ नहीं आती या पसंद होती है तो वो मैं उसमें एग्री कर जाता हूँ. कभी मुझे कोई चीज़ पसंद होती है तो ये उसमें एग्री कर जाती है. और हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छे से कर लेते हैं. जहाँ पे कोई एक डिस्कम्फर्ट अगर फेस कर रहा है तो वो शक्ल से हमें समझ में आ जाता है. सो देन द अदर वन ओवरटेक्स. सो ये हमारे में थैंकफुली नहीं है. Okay, we are complete opposites when it comes to food. Yeah, actually, correct. मतलब ऐसा नहीं है कि I don't like what he eats. I really like. लेकिन हर बार वो नहीं खा सकते यार आप. मतलब जब भी आप कहीं भी खाना खाने चले जाओ, इनको इनका या तो चिकन ग्रेवी या मटन ग्रेवी और अपनी तीन चार मस्त रोटी या बिरयानी और रसमलाई, मीठे में रसमलाई या रबड़ी. बस और इनको कुछ नहीं. मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता. ये हर चीज ट्राई करनी चाहिए. इनकी सुई एक पे अटकती है तो उसी पे अटक जाती है. अच्छा अभी बस ये टॉपिक बंद करो, मुझे बहुत भूख लग रही है. भूख लग रही है? हाँ तो ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ना उसमें कुछ खाने को. अच्छा करें. चलो चलो. तो ये रहा खाना. नेक्स्ट ऐसा नहीं, पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे. पर मुंह मीठा करके भी तो बाद में. पहले सवाल फिर केक. ये गार्निशिंग? ये गार्निशिंग के लिए ना. ये उसके लिए है कि अगर तुमने जो इसके अंदर सवाल है उसके सवाल के करेक्ट जवाब नहीं दिए तो उसकी सजा मिलेगी तुम्हें. ये गार्निशिंग वाली जो मिर्ची है ना उसको खाने के लिए. और तुम्हें? देखते हैं, मैं भी खाऊंगा फिर. सवाल कैसे हैं? मतलब वो देख के पता चलेगा. हम दोनों से रिलेटेड हैं कि तुम मुझे कितना जानती हो और मैं तुम्हें कितना. लेकिन एक और बात है. क्या सस्पेंस क्रिएट किया? एक बार में सब बताओ. शादी के बाद ऐसे ही होता है. इसमें जो सवाल है ना तो वो तुम्हें एज अ शोएब देने हैं और मैं एज अ दीपिका आंसर करूंगा. ओके. तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें होंगे मेरे लिए. तो मैं एज अ शोएब आंसर देना, मैं दीपिका आंसर करूंगा. कोई भी चीज उठाओ. नहीं, तुम पिंक उठाओ. क्योंकि तुम लड़की हो ना इसलिए पिंक उठाओ. लड़की. और अगर तुम्हारा सवाल सही है या नहीं ये भी मैं बताऊं. लेकिन कई बार जैसे कि वो सलवार वाला किस्सा जो मैंने बताया, कई बार मैं जब बिना किसी रैशनल रीज़न के ऐसे एकदम से ऐसे गुस्सा हो जाती हूँ और कुछ भी बोल देती हूँ तब ये मुझसे थोड़ा सा लेट डाउन हो जाता है. करेक्ट? क्या बोलती हो? ठीक है चल खा. कुछ तीखे से पहले कुछ मीठा होना चाहिए. हाँ, तीखा नहीं होना चाहिए. हाँ, सिर्फ मीठा. अभी मेरी चांस. One habit I hate about Shoaib. ये साथ साथ में रखे थे क्या? One habit I hate about Shoaib. Phone. Mobile phone. ये तो जग जाहिर है, बताने की भी जरूरत नहीं है. हाँ क्या ये? पर मैंने genuinely केक खाया. Genuinely खाया मैंने. मैंने भी genuinely खाया. मैंने तुम्हें खिलाया. और नहीं, मैंने genuine जवाब दिया था पहले. हाँ बोलो. हाँ ठीक है. नहीं तो अब तक मैंने ओके नहीं किया. ओके. शोएब आज आपकी डाइट थी, आपने इसे का केक अब मैं खा लूंगी. एक बाइट खा लिया ना. चलो. When I look into the mirror, I see to it that all my hair are perfectly fine. I've not put on weight on my cheeks. My dress is perfect. My abs are fine. Yeah, that is all I do. Right? Iske liye to pura piece khana banta hai. I want to go on a honeymoon too. देखो ख्वाहिश तो सबकी होती है कहीं कहीं जाने की. इनकी भी ख्वाहिश है स्विट्जरलैंड जाने की ना. सही है. केक खाऊं? ज्यादा नहीं खाना. शोएब
देखो बेटा। नहीं ऐसे नहीं, पूरा खा लो। My major thought before marriage was मेरा स्टेटस बदल जाएगा। If I'm feeling low, I will. मतलब एक ही चीज होती है इसके अंदर कि अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो शोएब मुझे पैम्पर करो, शोएब मेरा ख्याल रखो और अटेंशन उसको बहुत ज़्यादा चाहिए और एक तकिया पकड़ के चुपचाप से, और मैं कम से कम 40-50 में ऑप्शन दे चुका होता हूँ, चल नीचे चलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, चाय पी के आते हैं, डिनर करके आते हैं, यहाँ घूम के चलते हैं, नहीं करना भी कुछ नहीं है लेकिन पैम्पर भी चाहिए। सही बोला गलत बोला? सही बोला। आप मोटी हो जाओगे ना, आप आपको बनाने मुझे नहीं बनाते, मैं तो हूँ ही ऐसे। माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन तुम जवाब दो। फंस गए यार। बोलो। पर ये किसी को कॉम्पिटिशन मानता नहीं है, करेक्ट है, बस खुद के एप्स देख के खुद ही को बोलता रहता है कि अरे मेरे 2 किलो बढ़ गए या 4 किलो कम हो गए या जो भी, और किसी को कंपटीशन मानता नहीं है ये, करेक्ट है? करेक्ट है ना? मैं कभी कंपटीशन, हाँ मेरा खुद से ही कंपटीशन रहता है हमेशा। अभी थोड़ा ही देना, बहुत मीठा मीठा हो गया। ए मुझे खाना चाहिए भाई, मेरा खुद से कंपटीशन रहता है। हद है, तो खुद क्यों खाओगे? द पर्सन आई डिस्पाइज द मोस्ट, अब एक हो तो बताऊं, बहुत हैं, बहुत हो गया जवाब दे दिया। खत्म ही भी? हाँ, so this ends our मिर्ची केक सेगमेंट, I will call this the मिर्ची केक सेगमेंट, and thankfully none of us ate the मिर्ची। मुझे नहीं खानी, आपको खानी है तो खा लो। नहीं, मैंने सारे सही जवाब दिए। नहीं देखो एक बार खा लो वरना सबको लगेगा कि हमने कुछ तो झोल किया है। तीखी होगी। हाँ। तो आप खाओ ना फिर। थोड़ी सी खा लो। नहीं मैंने एज खाया। दादा नहीं आया। चलो सबको ये बताने के लिए कि भाई नहीं हमने नहीं ज्यादा नहीं लगी। तो खाओ फिर और पूरी। बस अब तुमको ही बताना है ना लोगों को, तो खाओ। फाइनली हमने ये लव टॉकीज का जो हमारा छोटा सा सेगमेंट था वो खत्म होता है, एंड हमें तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया हो। और इस बार इन्होंने आधी मिर्च खाई है। अगर ये मुझे स्विट्जरलैंड नहीं लेके गए तो मैं दोबारा आऊंगी और फिर हम इन्हें 6 मिर्चियां कम से कम खिलाएंगे, और उस दिन मैं केक भी नहीं रखवाऊंगी। पर मुझे लगता है कि 6 मिर्ची खाना ज्यादा सेंसिबल रहेगा उतना खर्चा करने से। नहीं मैं 1.5 किलो खिलाऊंगी, वो भी तीखी वाली लाके। एक बार जो बोला उसी पे। बीवियां ऐसे नहीं पलटने के लिए होती है, बीवियां नहीं मानती। सो गाइस आई थिंक आज ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम आप सब फैंस को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगे, ऑल आर फैंस जिन्होंने हमें शोए का टर्म दिया है। बोल भी दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिस तरह से आपने हमें थ्रू आउट सपोर्ट किया है, हमारी वेडिंग को सपोर्ट किया है और उससे पहले भी हमें सपोर्ट करते हुए आए हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो सारे एडिट्स होते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं। हम लोग जब स्टोरी पे भी हम लोग कोई पिक्चर डालते हैं तो हमें पता है कि आप उसे उठा के कोई बहुत क्यूट सा एडिट बनाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट्स रियली वेरी स्पेशल कि आप उतना टाइम निकालते हो, उन्हें एडिट करते हो, उसके पीछे इतने प्यारे प्यारे म्यूजिक डालते हो और कुछ बहुत ही खूबसूरत सा क्रिएट करते हो। सो थैंक यू सो 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 मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए पिंक विला, एंड शेयर कीजिए जितना हो सके, शेयर कीजिए। आ गए ना, मतलब शेयर करो, मतलब बढ़ाओ। ऑब्वियसली शेयर करो।